हेलो नी हाउ अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी दिखाने जा रहा हूँ। हनान प्रोविंस की बहुत ज़्यादा फेमस है और ओवरऑल चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी मैं आपको ये विजिट करवाने जा रहा हूँ। इसका नाम है चंगचो यूनिवर्सिटी और चंगचो मेडिकल यूनिवर्सिटी भी इसको बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं सारा कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा, मतलब कैंपस लाइफ हो गई, मेजर कॉलेज बिल्डिंग्स हो गई, मेजर्स वगैरह, प्लेग्राउंड्स, कैंटीन्स, डॉर्मेटरीज, एवरीथिंग इंशाल्लाह इस वीडियो में इंक्लूड होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो अभी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। इस बिल्डिंग के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये है यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ये। यहाँ पर इस साइड पर लाइब्रेरी की मेन एंट्रेंस है, वो बैक साइड है क्योंकि तो वो बहुत ज़्यादा लंबा चक्कर पड़ जाता है, तो स्टूडेंट्स यही यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल ये चंगचो यूनिवर्सिटी स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, इसके सामने है। और यहाँ पे ये प्यारी सी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे कुछ फॉरेन लैंग्वेज स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा कंप्यूटर के कुछ डिपार्टमेंट्स यहाँ पे ही हैं, बिजनेस के रिलेटेड कुछ डिपार्टमेंट्स वगैरह इस जगह पे, और दूसरे कुछ कॉलेज इंटेलेक्चुअल इस टाइप के। यहाँ पे बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सामने जो है इधर केमिस्ट्री के कुछ डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं और फिजिक्स भी हैं। यहाँ पे जो है स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, और इस साइड पे स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, केमिस्ट्री के रिलेटेड डिपार्टमेंट वगैरह जो है इधर आगे से जाएँ तो इधर सारी काफ़ी सारी जगह जहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड। ये है जी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, इस साइड पे कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये सारा इनका डिपार्टमेंट है इसके हवाले से जो होता है इंजीनियरिंग का। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत डिपार्टमेंट बने हुए इनके। ये सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग है, सेम यही स्टाइल में। ये है फिजिकल केमिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंट, और इसके सामने है स्कूल ऑफ मैकेनिक्स एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। ये वाली इंजीनियरिंग मैंने पहली दफ़ा सुनी है, स्कूल ऑफ मैकेनिक्स एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। और ये इसी तरह यहाँ पे आई थिंक सो स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। तो ये बहुत ही प्यारी सारी यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये है चंगचो यूनिवर्सिटी स्कूल हिस्ट्री हाउस। आई थिंक ये यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, और ये उसके साथ ही जो पीछे बिल्डिंग है वो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। ये यहाँ पे जो आपको एक प्यारी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है चंगचो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जहाँ पर सारा यूनिवर्सिटी का निज़ाम वगैरह संभाला जाता है, और ये बिल्कुल साउथ गेट के सामने है। ये है जी द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं बहुत ही प्यारा सीनिक एरिया है इस जगह पे, और बहुत ही कमाल की बिल्डिंग्स बनी हुई है। यहाँ पे थोड़ी छोटी सी लेक भी है और बैठने की भी जगह है इधर। तो ये है जी फॉरेन लैंग्वेज कॉलेज, और यहाँ पे कुछ चाइना जर्मनी कॉलेज भी है, और इसके अलावा जो है कुछ कंप्यूटर के डिपार्टमेंट्स हो गए और फिज़िक्स का हो गया, तो इस तरह के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मिक्स हैं। लेकिन बिल्डिंग्स और ये एरिया बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ पर बाइक भी नहीं जा सकता और साइड पर पार्क किया मैंने, अभी पैदल आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो सारा एरिया है ये अपने आप में ये खूबसूरती है, ये बिल्कुल डिफरेंट लगता है पूरे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें भी ये बिल्कुल डिफरेंट ही नज़र आता है ये वाला एरिया जो। एक बहुत ही प्यारी चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, वाओ ये स्वान है, छोटी बच्चे से खाना वगैरह दे रही है, और कुछ मछलियाँ भी है, ये अभी इधर आ रही है, इनको लगा कि मैं कुछ लेके आया हूँ। वाओ सो ब्यूटीफुल, मेरे पास कुछ है नहीं अभी इनको देने के लिए। हेलो, वाओ ये येलो वाली मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो अभी आप चेक करें, दो बज चुके हैं, स्टूडेंट्स वापस अपनी क्लासेस में जा रहे हैं, खाना वगैरह खा के वेले शेले हो के आ गए, क्योंकि 12 से 2 बजे तक जो है इनका रेस्ट टाइम होता है स्टूडेंट्स का। अभी हर जगह पे आपको पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर ही स्टूडेंट्स नज़र आएंगे ऐसे।
का टाइम होता है इसी तरह स्टार्ट हो जाता है हर जगह पे, पूरी यूनिवर्सिटी में आ गए पीछे इधर उधर। अपने खुदों में भाई आ गया तो यहाँ पे आ जाते हैं जी मेडिकल के वाले से, जितने भी डिपार्टमेंट्स वगैरह हो गए, चंगचो यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल भी इसी जगह पे है और फार्मास्यूटिकल सेंटर भी यहाँ पे ही है और डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हो गए मेडिकल के वो इसी जगह पे हैं। इसके बैक साइड पे चंगचो यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है, ये है जी चंगचो यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल। यहाँ पे हॉस्टल वगैरह स्टूडेंट्स से डॉर्मेट्रीज हैं। अभी लंच का टाइम है, तकरीबन एक बज चुका है और ये स्टूडेंट्स वापस जा रहे हैं अपनी डॉर्मेट्रीज में। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इस वजह से डॉर्मेट्रीज इस यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं सेकेंड ईयर के, उनको बाहर रहने की इजाज़त भी नहीं होती वैसे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में। सीनियर स्टूडेंट्स रह सकते हैं बाहर डॉर्मेट्रीज के अंदर। तो ये है जी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डॉर्मेट्री। चाइनीज़ स्टूडेंट्स की भी डॉर्मेट्रीज यहीं पे हैं ये सारी, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, रूम्स डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर भी रहते हैं, अपना रेंट भी करते हैं अपार्टमेंट, और यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉर्मेट्री भी है। यहाँ पे एक आपको मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ये जो आपको मशीन नज़र आ रही है ये एक्चुअली रोबोट है और ये पूरी यूनिवर्सिटी में जो मतलब स्टूडेंट्स की जो पार्सल वगैरह आते हैं फ़ायती इसको बोलते हैं, तो ये जो है यूनिवर्सिटी में खुद ब खुद ही जो है वो कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। अभी इसने लड़की ने निकाल लिया अपना पार्सल, फिर ये यहाँ से चला जाएगा। सेल्फ ड्राइविंग रोबोट, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे डिलीवरी मैन डिलीवरी लेके आता है उसी तरह एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, सारे स्टूडेंट्स आके खड़े हो जाते हैं और मोबाइल पर इनको पता चल जाता है कि अभी आ रहा है रोबोट, तो ये अब आ गए हैं और अपना अकाउंट वगैरह सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे, वो उधर से बॉक्स खुल जाएगा अपना पार्सल लेके और चले जाएंगे। और ये है जी इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा स्टेडियम। ये स्टेडियम के बिल्कुल पास में यहाँ पर कुछ बास्केटबॉल कोर्ट भी हैं। ये है जी सेंट्रल जिमनेजियम की बिल्डिंग, ये भी बड़ी प्यारी सी बनी हुई है। यहाँ पे तो शाम के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है इधर। ये है जी पुराना फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पे, और इधर स्टूडेंट्स के अभी जो है क्लासेस चल रही हैं। क्रिकेट वगैरह भी यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह खेलते हैं इसी ग्राउंड में, पुराने पहले हम भी खेलते थे उस जगह पे। यहाँ पे इसी जगह पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डॉर्मेट्री है, इससे थोड़ा सा इधर आगे जाके यहाँ पे ये रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हो गए, कुछ कैंटीन वगैरह हो गई, तो अभी इधर से देखते हैं। और सामने KFC भी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही है KFC। ये पिज़्ज़ा हट भी है इसके अंदर। ये छोटी सी स्ट्रीट बनी हुई है लेकिन ये बहुत प्यारी है। यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह हैं, कॉफ़ी शॉप्स हो गई, KFC हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया और दूसरे रेस्टोरेंट्स वगैरह कैंटीन जो स्टूडेंट्स मोस्टली खाना वगैरह खाते हैं। ये वाला सारा एरिया जो है कैंटीन का है, इस रो में सारी आपको कैंटीन नज़र आएंगी। खाने के टाइम तो बहुत ज़्यादा रश होता है इधर। अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, एक घंटा मतलब अभी तो 1:30 हो चुका है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा रश नहीं है इधर, और ना बड़ी बड़ी पड़ी होती है ये वाली स्ट्रीट। ये आउटडोर ज़बरदस्त, ये जो ब्लू कलर की साइकिल्स आपको नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा खड़ी हैं यहाँ पे। आप 1 RMB इसके अंदर ऑनलाइन आप पे करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं 1 घंटे के लिए, यूनिवर्सिटी के अंदर अंदर ही 1 RMB में 1 घंटे के लिए ओपन हो जाती है अलीपे या वीचैट वगैरह से, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। और जो सबसे ज़बरदस्त जगह है वो है जी ये फूड स्ट्रीट, जहाँ पे आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलेंगे, छोटी छोटी शॉप्स मिलेंगी, हर तरह की यहाँ पे शॉप्स हैं, जैसे बर्गर वगैरह हो गए, फ्राइड फास्ट फूड हो गई, उसके अलावा नूडल्स चाइनीज़ फूड के हवाले से कुछ आपको शॉप्स मिलेंगी, बेकरी हो गई और इस तरह लोकल जो चाइनीज़ फूड है वो भी, तो यहाँ पर इस तरह के रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। यहाँ पर भी शाम के टाइम बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है, गर्मी तो इतनी ज़्यादा होती नहीं आपको पता चाइना में, जैसे
this whole place is so amazing.